डीएस का खुलासा, लखनऊ समेत प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट की थी साजिश, काकोरी से हिरासत में लिए गए दो संदिग्ध अलकायदा आतंकी। जी हिंदुस्तान से बोले यूपी एटीएस के आईजी जी के गोस्वामी, आतंकियों के पास से जिंदा बम मिला, यूपी में सीरियल ब्लास्ट करने की थी साजिश। आतंकियों के ठिकाने से एटीएस को दो सूटकेस मिले, दोनों सूटकेस को जांच के लिए लेकर गई है एटीएस। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आतंकी साजिश नाकाम, राजधानी लखनऊ में अलकायदा के दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। काकोरी इलाके में यूपी एटीएस की छापेमारी के बाद पकड़े गए अलकायदा आतंकी, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे पकड़े गए दोनों आतंकी। गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों के पास से विस्फोटक बरामद, दो हैंड ग्रेनेड, दो प्रेशर कुकर बम और टाइगर बम भी बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी, निशाने पर थे बीजेपी के कई बड़े नेता। छापेमारी के दौरान एटीएस को काफी दस्तावेज भी बरामद हुए, पकड़े गए दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी। पकड़े गए एक संदिग्ध का नाम शाहिद, मलियाबाद का रहने वाला है, शाहिद मोटर गैराज में करता है काम। लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। यूपी बिहार में आतंकियों के निशाने पर यात्री ट्रेन, खुफिया सूत्रों के मुताबिक रेलगाड़ियों को निशाना बना सकते हैं आतंकी, सभी थानों को किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर रॉ और आईबी के साथ एनआईए की रेड, आईएसआईएस मॉड्यूल और टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी। आईएसआईएस के टेरर मैगजीन मामले में हुई छापेमारी, आईएसआईएस लिंक के आरोप में 5 लोग पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, पिछले 48 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान से बातचीत कर आगाह, कश्मीर में अमन के लिए सभी से हो बातचीत, जब तक बीजेपी से था गठबंधन तब तक नहीं हटने दिया 370। कंधार में हालात बिगड़ने के बाद भारत सरकार ने वापस बुलाए कई राजनयिक, सूत्रों के हवाले से खबर, इमरजेंसी सेवाओं के लिए खुला है दूतावास। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति का ऐलान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी ने नव दंपतियों को बांटे शगुन किट। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा बढ़ती जनसंख्या को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का। जनसंख्या नीति पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा, समाज में गरीबी की वजह बढ़ती है, बढ़ती आबादी है। कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है। सीएम योगी ने कहा दो बच्चों के बीच सही अंतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी, बच्चों में कुपोषण का खतरा कम होगा। सीएम योगी ने कहा 2018 से ही नई जनसंख्या नीति को लाने की कोशिश हो गई थी शुरू, इसमें हर तबके का रखा गया है ध्यान। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, बढ़ती आबादी समाज में असमानता समेत सभी समस्याओं की मूल वजह, उन्नत समाज के लिए आबादी पर कंट्रोल जरूरी। योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर बोले गिरिराज सिंह, जनसंख्या पर सीएम योगी की पॉलिसी एकदम सही। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हार से बौखलाए अखिलेश यादव, योगी सरकार पर लगाया नौकरशाही और धन बल के दुरुपयोग का आरोप। पंचायत चुनाव में अखिलेश ने गुंडागर्दी का लगाया आरोप, कहा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर मनाया गया जश्न। समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा हर मोर्चे पर योगी सरकार फेल साबित हुई। कोरोना काल में सरकार पर लापरवाही का आरोप, अखिलेश बोले समय पर इलाज मिलता तो कई लोगों की जान बच जाती। एसपी दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग बना चर्चा का विषय, पोस्टर में लिखा सपा सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को नौकरी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान, बोले ज्यादातर धर्मों के अनुयायी हिंदुओं के वंशज, हिंदुत्व को हटाया नहीं जा सकता। वाराणसी पहुंचे मुख्य सचिव आर के तिवारी और यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल, प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी अगले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा, वाराणसी को पीएम मोदी देंगे बड़ा तोहफा। गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में नागरिक सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। अमित शाह सोमवार को भगवान जगन्नाथ मंदिर में होने वाली मंगल आरती में होंगे शामिल, कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार से दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे गोवा। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दौरा अहम। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर फिर से हमला बोला। राहुल ने ट्वीट किया, मंत्रियों की संख्या बड़ी वैक्सीन की नहीं। फतेहाबाद में कृषि कानूनों को लेकर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई जो थी उसको तोड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की भी हुई। कल्पना चावला के बाद भारत की एक और बेटी भरेगी अंतरिक्ष में उड़ान। आंध्रा में जन्मी त्रिशा बांदला शाम वीएसएस यूनिटी के यात्रियों के साथ होंगी रवाना। पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर की गति से टकराएगा सौर तूफान। भीषण सौर तूफान की वजह से डिश टीवी या फिर मोबाइल नेटवर्क हो सकता है बंद। दिल्ली के रघुवीर नगर में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्कूटी सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के रघुवीर नगर में बीच सड़क पर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। दिल्ली के उत्तम नगर डकैती कांड में गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दो बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर में बिजली कर्मचारी बनकर वारदात को दिया गया था अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई थी डकैती की पूरी वारदात। राजधानी दिल्ली में बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़। अलग अलग ऐप के जरिए किया जाता था एक्सटॉर्शन। सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली वालों के लंगर हॉल में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। दिल्ली में अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी। ट्रेनिंग और एकेडमिक गैदरिंग की छूट। अब किसी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति नहीं लेनी होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तमी रफ्तार। अब रोज आ रहे 100 से कम मामले। बीते 24 घंटे में 76 नए मामले आए सामने।